राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में राजीव नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में डकैती की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही घर है जहां पे दो की संख्या में अपराधी आते हैं और आराम से घटना को अंजाम देते हैं और महिला को बंधक बना के उनके गहने को लूट लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच के मामले की जांच की जा रही है। देखिए, यही वो जो लॉकर है उससे तमाम गहने रखे हुए थे और उसके बाद दो की संख्या में अपराधी आते हैं, महिला को बंधक बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद भी है। क्या घटना हुई थी? हम तो घटना के बाद आए थे, बट बताया जा रहा था कि उसको बांध कर चौकी के अंदर रख दिया गया था और उसके बाद सारा कुछ ले गया और उसको मारा पीटा भी गया है हाथ पे। कितने की संख्या में थे लोग? दो लोग थे। हथियार भी रखे हुए थे क्या? अब वो तो देखी नहीं, बस बोरा में बता रही थी कि हम उसकी बहन है। वो कहाँ है आपकी बहन? वो थाना में गई हुई। थाना में चोट उठ भी आया? हाँ, उसका हाथ पे जबरदस्त चोट है, वो थोड़ा सा हिला डुला भी नहीं रही है हाथ को। टूटन। कौन इलाका है ये? ये राजीव नगर है। क्या नाम है आपकी बहन का? अंचला सिंह। देखिए, ये अंचला सिंह का मकान है, यही वो अंचला सिंह बैठी हुई थी, तभी दो की संख्या में अपराधी आते हैं, तमाम चीज़ों को लूटपाट करके और उसके बाद अंचला सिंह को अंदर सुला दिया जाता, हाथ पैर बांध दिया जाता। और जिस प्रकार से जो अभी तक अहम जानकारी मिली है कि अंचला सिंह का हाथ टूट गया है और जो डकैत दो की संख्या में आए थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट की है। राजीव नगर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। सूचना मिली कि वो जो एक लेडीज के साथ जो है सो घर में हेल कर करके उसका कुछ जेवर वगैरह जो है सो कुछ मुँह हाथ बांध कर, जैसा कि वादी द्वारा जो बताया जा रहा, महिला द्वारा बताया। आप लोग आए हैं तो क्या क्या जांच? अब आगे पड़ताल करने के बाद बताया जाएगा। कहाँ की घटना सर? क्या क्या डकैत जो है हथियार के बल पर क्या क्या ले गए? वैसा अभी तो हथियार के बल पर सूचना नहीं मिल रही है कि हथियार के बल पर नहीं है, लेकिन आया चुपके से आया है, कुछ आवाज़ हुई है तो महिला जागी है, उसी के बाद जो है सो उसका जैसे महिला के द्वारा जो बताया जा रहा है कि हाँ हाथ वो हाथ जो है सो बांध दिया गया था, यही है। और जांच है, भय तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि भय दिखाया है। हाँ, प्रयास किया जा रहा है। महिला को बांध कर मारपीट किया गया? उसमें नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मामले की घटना हुआ कि घर से ज्वेलरी सब, मेरी वाइफ अकेले थी, मैं गाड़ी पार्क करने एजी कॉलोनी गया था, मैं और छोटा भाई, उधर से फिर मैं सैलून चला गया था दाढ़ी वाढ़ी कटवाने। इसी बीच में दो अपराधी यहाँ आए और मेरी वाइफ को बांध के जो भी ज्वेलरी वगैरह था वो लोग लेके, मतलब मेरे जाने के और आने में लगभग एक घंटा का गैप था, इस बीच में ये घटना हुआ। मैं आया तो देखा कि मेरी वाइफ इसी बेड के नीचे बेहोश, हाथ बंधा हुआ, मुंह बंधा हुआ, वो नीचे पड़ी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी। कितना का गहना होगा? दो अढ़ाई लाख के आसपास। 2.5 लाख? मतलब मानते हैं ना कि पहले रेकी की गई, आप घर से निकले तभी घटना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बता रही है मेरी वाइफ, जैसे कि मेरे निकलते ही वो दो घुस। क्या बताया? नहीं बताया कि बस बोरा था वो लोग के हाथ में, मास्क लगाए हुए था वो लोग, वो कब कियाची से उसके सर पे मारा, वो ये हो गई। धारदार हथियार रखे हुए थे? वैसा कुछ, वो जो कुछ भी हो बोरा में था। कितने बजे घटना है लगा? ये 8:40 में मैं गया है, 10 के बीच का, 8:40 और 10 के। यहाँ आने के बाद पुलिस आई है, हमको लगता है नहीं, मतलब 11:30 के आसपास, एक आध घंटे के बाद आए। क्या नाम है? अमन कुमार। क्या करते हो? इंटास फार्मास्यूटिकल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। पति का क्या नाम? अंचला सिंह। हाँ, थाना पे गए हुए हैं। 7979996302। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि दिन के उजाले में जिस प्रकार से अपराधियों ने जो कोहराम मचाया और जो लूटपाट डकैती की घटना को अंजाम दिया, वो पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और लगातार हर बिंदु, हर एक एंगल से जांच की जा रही है। रोहित, दर्श न्यूज, पटना।